तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन के अंदर लिखा गया राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है कोई, उसके पांच टर्म्स पहले लिखनी है, कौन कौन सी पांच टर्म होंगी वो उसको फाइंड आउट करना है। कह रहा हूज एंथ टर्म इज, आपको एक उसकी एंड टर्म निकालने का एक दे रखा कि एंड टर्म इस तरीके से है, तो हमें फाइंड आउट करना है उसकी फर्स्ट फाइव टर्म। तो चलिए निकालते हैं फटाफट इसकी पांच टर्म कौन कौन सी होंगी, कैसे फाइंड आउट होगी। चलिए ए वन निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, ये फार्मूला है। तो फार्मूले पे एन की वैल्यू जब पुट करेंगे वन तो फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड करेंगे सेकंड आ जाएगी, थ्री लिखेंगे थर्ड आ जाएगी। जितना भी टर्म निकालनी है उस जोन सी टर्म निकालनी है, जो भी टर्म निकालनी है उस टर्म की वैल्यू यहाँ पुट करते रहिए एन की वैल्यू में, और हम हमें जो है वो टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो पहली टर्म निकालते हैं जी, वन प्लस ये माइनस वन, ये ब्रैकेट है कि पावर एन है, एन का मतलब हमने पहली टर्म निकाल रहे हैं, एन की वैल्यू वन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वन, ठीक है ओके, क्या आ जाएगा वन, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हमने क्या किया, वन ऐसे लिख लिया, चलिए इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। अब ये क्या किया, वन का वन टाइम लिखेंगे तो वन ही आएगा माइनस का, ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई वन, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन और ये माइनस का वन, और भाई ये मल्टीप्लाई वन, तो वन में से वन गया कितना आ गया जीरो, मल्टीप्लाई वन क्या आ जाएगा जीरो। तो ये पहली टर्म हमें मिल गई, चलिए दूसरी भी निकाल लेते हैं, ए टू निकाल लेते हैं। ए टू कैसे निकलेगा भाई, इसी एन की जगह पे तो वैल्यू चेंज करनी है हमने, तो देखिए ए टू निकालना तो वन हमारा इसी तरीके से वन था, फिर हमारे पास प्लस है, फिर ब्रैकेट में माइनस वन है, इसकी पावर हमने रख दी टू, ब्रैकेट वन एन की पावर हमने रख दी टू, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा वन, चलिए ये प्लस है, वन का माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई टू, तो क्या आ जाएगा भाई, ये वन और वन हो गया टू, और मल्टीप्लाई टू क्या आ गया इक्वल टू फोर, तो दूसरी टर्म हमारे पास ये पता चल गई। चलिए तीसरी टर्म निकाल लेते हैं, तो ए थ्री निकालने के लिए भी हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्या वन प्लस ये माइनस वन की पावर एन, एन बोले तो चलिए लिख लेते हैं इसको ऐसे ही, और उसकी बात एन, ठीक है ये एन था, तब लिखते हैं ए थ्री निकालना हमें, चलिए निकाल लेते हैं भाई, वन प्लस ये माइनस वन की पावर कितना थ्री, और ब्रैकेट बंद करके फिर मल्टीप्लाई थ्री कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है वन और इसकी पावर थ्री है, तो थ्री टाइम करेंगे तो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो जाएगा माइनस का वन और मल्टीप्लाई थ्री, तो जाएगा भाई जीरो मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू जीरो आ गया। चलिए ए फोर निकाल लेते हैं, चौथी टर्म निकालते हैं, फिर लिखेंगे वन प्लस ये माइनस वन की पावर फोर और ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई फोर, तो क्या आएगा, ये आ गया भाई हमारे पास वन और इसकी फोर टाइम करेंगे तो फिर प्लस का ही वन आएगा, प्लस का वन और मल्टीप्लाई फोर, तो हमारे पास जो वैल्यू आई आ गई टू मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू आ गया एट, ओके। फिफ्थ टर्म भी निकाल लेते हैं, फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं, पांचवी टर्म कैसे निकाले, पहली कौन सी है फाइव टर्म निकाले ना, तो पांचवी टर्म निकाल लेते हैं, पांचवी टर्म आ जाएगी आपकी वन प्लस माइनस वन की पावर फाइव ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई फाइव, वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा वन और ये फाइव टाइम करेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा और मल्टीप्लाई फाइव, तो ये आ गया जीरो मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू जीरो। तो टर्म्स कौन कौन सी मिली भाई आपको, देखिए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, यही पांच टर्म है ना, तो पहली टर्म हमारी क्या आई है, पहली टर्म आ गई जीरो, दूसरी टर्म क्या आई, दूसरी टर्म आ गई फोर, तीसरी टर्म क्या आई जीरो, चौथी टर्म आ गई एट और पांचवी टर्म आ गई जीरो। तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की ये पांचों टर्म्स हमारे पास आ गई, ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आया है ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई सीक्वेंस भी दिया हुआ हो तो उसमें हम इस तरीके से उसकी वैल्यूज को या उस सीक्वेंस के नंबर्स को हम निकाल सकते हैं।